अच्छा भाई, अमेरिका में रहने के लिए बेसिक मिनिमम आमदनी एक महीने की इंसान की कितनी होनी चाहिए, ये खर्चे कितने यहाँ पे होते हैं एक नॉर्मल सी फैमिली की, अक्सर आपका सवाल मुझे मिलता है। उस पर मैंने सोचा क्यों ना आज एक आपको ब्रेकडाउन दे दिया जाए कि भाई कितने पैसे आपको कमाने हैं, मिनिमम कॉस्ट कितनी है। इसमें मेरी मदद करने के लिए हमारे साथ हमारे शोएब भाई मौजूद हैं। शोएब भाई शुक्रिया, वीडियो के बाद ग्लासेस वापस कर देना मेरे, और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या है, इन्होंने साथ हम ड्राइव करने, तो सोचा क्यों ना ये सारा ब्रेक डाउन कर लें। तो अच्छा नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, कितने पैसे चाहिए, तो कोई पहले ब्रेक डाउन बता देते हैं, मतलब टोटल फिगर देने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये बताओ कि खर्चे क्या क्या जहन में रखने हैं, मतलब सबसे पहले तो घर का किराया, मॉर्गेज कितनी होती है यहाँ पे। पहले तो ये डिफाइन करें कि हाउस होल्ड कितना बड़ा है। हाँ, अगर दो बंदा है या जो है वो सिर्फ नहीं, हम फैमिली वाले लोग हैं भाई, तो मियाँ बीवी और दो बच्चे अगर हों तो कितना खर्चा होना चाहिए, उस पे जरा ब्रेक डाउन दे दो। यानी सिर्फ दो ही बच्चों तक महदूद रहना, सिर्फ दो, फिलहाल दो ही बच्चों तक, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। हाँ चले, तो सबसे पहला खर्चा कौन है, हमारा कैसा है हमारा सबसे पहली खर्चा आपका दुनिया में, आप कहीं पर भी रहते हो, हाउसिंग है। सही बात है, क्योंकि आपको रहने के लिए घर चाहिए, सर छुपाने के लिए छत चाहिए। हाँ। तो बेसिक जो आपका खर्चा है हाउसिंग है। फिर हाउसिंग से ही रिलेटेड सेकंड जो खर्चा है वो है आपका यूटिलिटीज। नहीं एक सेकंड ना, तो पहले हम हाउसिंग का करें ना, घर में अगर किराए पे बंदा रहे या मॉर्गेज पे रहे तो अंदाजन कितना महीने का खर्चा है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर अच्छा आप... हम मिशिगन में रहते हैं तो ये कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, हम मिशिगन की बात। अगर हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए और अपने एरिया को देखते हुए नॉर्मल एवरेज मिनिमम कितने नॉर्मल अगर आप किसी एरिया के अंदर रहते हैं तो कम अज़ कम आज से डेढ़ साल पहले तक, चूँकि इन्फ्लेशन उतनी नहीं थी मार्केट के अंदर, तो 1,000 रुपये भी रेंट आ जाता था लोगों का यहाँ पर, दो कमरे का इधर अपार्टमेंट हो या टाउन हाउस हो, कॉन्डो हो, कुछ हो, यानी 1,000 से 1,200 के दरमियान यू कुड हैव मूव। अभी कितने का मिलता है? अभी हाउसिंग मार्केट 1400 तो है, अभी हाउसिंग मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, तो उससे कम अज़ कम आप 1200 से 1400 के दरमियान फैमिली ऑफ फोर कैन अफोर्ड। 1400 मेरे ख्याल से लगा लो, ऑन अ सेफ साइड 1400 तो हो गए लिविंग कॉस्ट। उसके बाद कौन सा खर्चा है? यूटिलिटीज, गैस बिजली पानी। अच्छा कितना खर्चा है? इसमें दो बातें याद रखनी है, आप किसी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अकल लड़ाएं और थोड़ी सी अगर आप होशियारी दिखाएं तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप रेंट पे अपार्टमेंट्स में जाते हैं, कि जिसमें पानी, हीट और गैस सब एक साथ मिलता है, और आपका ट्रैश वगैरह ये सारी चीज़ें आपको रेंट में इंक्लूडेड मिलती हैं। हाँ। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ये पैसे बचाने के लिए ये वाली ऐसी फैसिलिटी में जाके रेंट आउट करते हैं अपार्टमेंट को, तो ये बहुत आपके पैसे बचा सकता है। तो यूटिलिटीज़ का कितना? अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं कि अगर हाउस में रहते हैं, कॉन्डो में रहते हैं, या आप टाउन हाउस में रहते हैं जहाँ पर आपको खुद सारी चीज़ों को पे करना है, तो आपका गैस और बिजली का बिल ऑन एन एवरेज आ जाता है $150 का, अगर गैस और बिजली का, गैस और बिजली का, और उसमें इंटरनेट भी मिला लो $200। तो गैस बिजली इंटरनेट और पानी मिला के कितना होगा? पानी का इट डिपेंड्स, अगेन पानी का बिल अलग आता है। हाँ, गैस और बिजली का बिल अलग। जैसे मैं घर में रहता हूँ तो मैं तो 3 महीने का एक साथ दे देता हूँ, कुछ लोग महीने महीने के पैसे देते हैं, डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से गैस बिजली पानी इंटरनेट का मिला के $300 कर देते हैं। नहीं, कम अज़ कम $350। चलो $400, रेट्स बढ़ गए अभी हर चीज़, $400 कर दो, $400। तो $1400 घर के हो गए, यूटिलिटीज के $400, $1800 हो गए। उसके बाद कौन सा खर्चा है? आपकी ग्रोसरीज। ग्रोसरीज कितने की है? खाने पीने का, किचन का खर्चा? कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि $500 से $600 बेयर मिनिमम है। आजकल तो बढ़ गए यार। हाँ, मतलब वो यहाँ बढ़ने के बाद तो दूध अंडे की भी प्राइस US तक के अंदर बढ़ चुकी है। हाँ। यानी वही एक दूध का गैलन जो बेयर मिनिमम आप किसी वॉलमार्ट से अगर लेते थे तो वो मैंने $1.80 का भी लिया हुआ है। एक गैलन के अंदर तकरीबन 4.25 लीटर दूध होता है, तो और वही दूध का गैलन जो है वो आपको तकरीबन $2.50 के आसपास जो है वो गैलन। हाँ, महंगा है यार, हर चीज़ महंगी हो गई। तो उसके $500 लगा लो। वही ब्रेड जिसे हम डबल रोटी कहते हैं। हाँ। वही ब्रेड जो है वो जो बेयर मिनिमम वॉलमार्ट की प्रोडक्शन वाली ब्रांड से आप लेते थे। हाँ। तो वो 80 सेंट्स 90 सेंट्स की भी मिल जाती थी आपको, और वही अभी तकरीबन जो है वो $2.25 के आसपास पहुंच चुकी है। तो प्राइसेस बहुत सारी चीज़ों में डबल भी हो चुकी हैं। हाँ। जो कि अशिया खुर्दनोश कहलाती हैं, आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें। मुझे आती है उर्दू भाई। अच्छा, ठीक है तो $500 उसके लगा लेते हैं।
$600 लगा लो भाई, तो कितने हो गए ये 1400-1600 हो गए। अब उसके बाद और कौन सा खर्चा है? अब आपके पास गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मिशिगन के अंदर, अगर आप थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को आइडिया दे दें यहाँ का कि मिशिगन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्प्रेडेड स्टेट है, यहाँ पर वर्टिकल सिटीज एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे न्यूयॉर्क के अंदर चले जाएं आप, इलिनॉय के अंदर शिकागो जैसा। हाँ, वो इतना अर्बन अर्बन यहाँ पे वो नहीं है ना, थोड़ा सबर्बन, सबर्बन फील है, सबर्बन फील ज़्यादा है। तो इसमें आपके जो सिटीज़ हैं वो वाइडली स्प्रेड है रादर देन वर्टिकली। तो वर्टिकली जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़्यादा अवेलेबल होता है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है आपकी, आपके सबवेज होते हैं, ट्राम्स होती हैं, आपकी बसेस सिस्टम है। गो के यहाँ पर बस सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो बहुत बेयर मिनिमम है, उनके इतने एक्सटेंसिव राउट्स नहीं है कि जो फार्दर एरियाज को कवर कर सकें। तो उसके लिए आपके घर में अपनी पर्सनल गाड़ी तो होनी चाहिए। हाँ, जब आपकी अपनी गाड़ी है तो उस गाड़ी का खर्चा, लेट्स अज्यूम कि आप गाड़ी ओन करते हैं। हाँ, ये भी एक वो है। यूएस में यहाँ पर तीन तरीके की चीज़ है, या तो आप गाड़ी लीज पर लेते हैं जो कि एक 3-2 साल का एग्रीमेंट होता है, आप उसका किराया देते रहते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ माइल्स आप उसको चलाते हैं और एट द एंड ऑफ योर टर्म यू रिटर्न द कार, राइट। और उसके बाद फाइनेंस होता है कि आपने डाउन पेमेंट दी गाड़ी की, आप मंथली आपने फाइनेंसिंग करवा ली और 5-7 साल के ऊपर आपने गाड़ी को ले लिया और फिर बाय द टाइम आप पे ऑफ कर देते हैं। अगर आप फाइनेंसिंग पे इस तरह गाड़ी रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से कम अज कम $100-150 तो गाड़ी के लगा लो आप। नहीं, गाड़ी किस दौर में $100-150 की छोटी गाड़ी का, अगर आप लीजिंग वगैरह पे, आपको नहीं मिलेगी 150 में। कौन सी गाड़ी मिल रही है? ये लीजिंग पे कह रहा हूँ, लीज पे भी नहीं मिलती सर। ऑनकोर ब्यूइक ऑनकोर हमारे एक दोस्त के पास थी जो उसको एक डील में मिली थी, उस वक्त उसको मिली थी आज से 4 साल पहले तकरीबन, वो $200 की। ओके, इस वक्त अभी ब्यूइक ऑनकोर आप लेने जाएंगे तो कम से कम $300 के आसपास है उसकी लीज, $300 $250-$300। ओके, तो लीज के तो ये हो गया। और अगर लीज पे नहीं लेनी तो आपको कैश में लेनी है 5-10 हज़ार जो भी। हाँ, अगर आपसे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी हम एक मीडियोकर फैमिली की बात करते हैं। हाँ, तो अब तो यूज गाड़ियां भी तकरीबन 1.5 टाइम्स के ऊपर मार्केट में प्राइस चल रही है उनकी, ठीक है। तो यानी जो गाड़ी हमें 4,000-5,000 की मिल जाती थी वो गाड़ी हमें जो है वो अभी 6,000-8,000 तक की मिलती है। ओके, अब अगर आप लेट्स अज्यूम कि आप ओन करते हैं, अभी हम इसकी परचेज का एक्सपेंस नहीं डालते, लेट्स अज्यूम कि आपके पास अपनी गाड़ी है। अब आपको उसका मंथली खर्चा कितना आता है? उसका मंथली खर्चा कम से कम एक इंश्योरेंस है जो आपको मस्ट है, जो एक कंपल्सिव चीज़ है, exactly. जो होनी चाहिए आपके पास, वो तकरीबन मंथली आपको कॉस्ट करेगी अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपका रिकॉर्ड क्लीन है। और वो भी डिपेंड करता है कौन से इलाके में रहते हैं। मिशिगन में भी आप कुछ जगहों पे बहुत महंगा है, सबर्ब्स में रहते हैं तो थोड़ा सस्ता है। जी हाँ, तो एवरेज आई थिंक एक गाड़ी का फुल इंश्योरेंस $100-150। फुल इंश्योरेंस तो नहीं कह सकते लेकिन यस, के लायबिलिटी इंश्योरेंस अगर आप रखे हैं तो बेयर मिनिमम 100 तक जा सकते हैं। इफ यू हैव अ बेटर क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड एंड यू आर नॉट इन टू मच एक्सपेंसिव जिप कोड्स, यानी कुछ जिप कोड्स ऐसे हैं जो हमारे इंश्योरेंस बहुत हाई है। चलो लीस्ट अगर आप गिन लो तो $100 तो इंश्योरेंस $100 जाएगी, और $100-200 आपके गैस के चाहिए आपको महीने के, अगर एक ही गाड़ी $200 गैस के चाहिए तो $300 तो वो हो गए जी। तो हम वो पहले $2400 पे थे, अभी $300 और मिला लो $2700 तो वही हो गए $2700, ठीक है ना। ये वो $2700 है कि जो हर चीज आपने पे कर दी आपकी जेब से निकल गए, इसके बाद आपके पास एक रुपया भी जेब में नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास मिसलिनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हाँ, अभी उसके बाद अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनके डायपर भी है, उनका बेबी फूड भी है, और एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उनकी क्लोथिंग है क्योंकि बच्चों की क्लोथिंग आप ज्यादा बाय करते हैं, ठीक है। बनिस्बत के हम अगर साल में एक दफ़ा भी अपनी शॉपिंग कर लें दैट इज गुड फॉर अस फॉर अ ईयर ईयर एंड हाफ, लेकिन अगर आप बच्चों की क्लोथिंग लेते हैं तो दे नीड क्लोथ लाइक एवरी 3 or 6 months, राइट। सो यू नीड टू कीप ऑन बाइंग फॉर देम। $300 महीने के ऐड कर लो सेफ साइड, $300 फॉर 4 किड्स एक्सपेंसेस, $3000 हो गए, $3000 देन यू नीड एटलीस्ट लाइक $500-$700 इन योर पॉकेट फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो डिपेंड करता है, अब आपकी एंटरटेनमेंट तो महंगी होती है, हमारी सस्ती होती है, तो वो है आपकी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, शोएब भाई बड़े शरीफ इंसान है, लेकिन उसके हम $500 अलग से रख दें अगर, क्योंकि आपको
रोजमर्रा के अखराजात कुछ भी हो सकते हैं, गाड़ी में ब्रेक डाउन भी हो सकता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी नहीं, और बंदा खाना वाना खाने कभी फैमिली को बाहर लेके चला गया, आप डाइन आउट भी कर लेते हैं, किसी की दावत हो गई, किसी को कुछ घर पे बुला लिया, कुछ हो गया, जी हाँ $500 उसके डाल दिया हमने, $3,500 तो भाई ये हो गए, $3,500 तो बेयर मिनिमम आपको चाहिए, इट्स लाइक हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ इनकम, जिसमें यू विल बी कैलकुलेटिंग एवरी बिट्स एंड पीसेस, निटिग्रिटीज के अंदर आप पड़े रहेंगे कि यार शुड आई और शुड आई नॉट, राइट, मतलब ये तो बेयर मिनिमम आपको सुथरे तरीके से फैमिली चलाने के लिए। अच्छा ये हम आपको बता रहे हैं मिशिगन की, अगर यही चीज आप न्यूयॉर्क में चले गए तो आपका फॉर्मूला जो घर में रहने का किराया ना वो तो मेरे ख्याल से डबल नहीं तो 70% तो बढ़ा ही दो यहाँ से। फिर अगेन अच्छा कुछ उसमें डिफरेंस ये भी आता है कि अगर आप किसी बड़े सिटी की मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर से शिकागो की एग्जांपल ले लें, न्यूयॉर्क की एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर जो चीज आप 1400 में अफोर्ड कर सकते हैं मिशिगन के अंदर, वो चीज हो सकता है आपको 2 bedrooms मिल भी जाए न्यूयॉर्क में, शिकागो में 1400 के अंदर, लेकिन everything has a price. यहाँ पर 1400 you will be affording maybe in a better area. Right. वहाँ पर 1400 maybe you will be affording in a very gitchy area जिसमें आप city के अंदर बिल्कुल stuck up होंगे, parking के issues होंगे आपको, parking pay करनी पड़ेगी क्योंकि बड़े cities के अंदर यही है कि आपको अपार्टमेंट्स तो मिल जाते हैं साथ में पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, यू गॉट टू पे फॉर इट एक्स्ट्रा, राइट राइट। सो अच्छा एक और चीज़ सॉरी इसमें मैं भूल गया, हम जो बात कर रहे थे पहले, ये 3500 तो बेयर मिनिमम है। नाउ डिपेंडिंग ऑन आपकी सालाना इनकम कितनी है, अगर आपकी एक खास पॉवर्टी लेवल के अराउंड है जो अगर इतनी मेरे ख्याल से 4 लोगों की 35,000 कुछ है, तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट में रहते हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता और आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जो कि आई वुड रिकमेंड कि बेस मिनिमम हर किसी को रखना चाहिए, खासकर बच्चे और फैमिली है, तो उसके फिर अलग से पैसे हैं। मेरे ख्याल से $500 तो आपके कहीं पे भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सोचें कि आप नज़ला ज़ुकाम भी किसी डॉक्टर से ट्रीट करवाने के काबिल नहीं होंगे इतने इतने खर्चे वाली आमदनी के, क्योंकि वो कोई भी हेल्थ सर्विस आपको यहाँ पे फ्री में नहीं मिलेगी, लाइक बहुत महंगी मिलेगी, और इंश्योरेंस होने के बाद भी आउट ऑफ पॉकेट और ऊपर से आपको पैसे देने, तो आई थिंक उसके भी $500 आप ऐड कर लें अगर आपको। और मैं तो ये कहूँगा कि आपका गोल ये होना चाहिए इंडिपेंडेंट लिविंग का, किसी भी गवर्नमेंट उस पर आपको डिपेंड करने का आपका गोल नहीं होना चाहिए, तो उसमें अगर आप वो मिला लें तो मेरे ख्याल से बेयर मिनिमम तो $4,000 आपके कहीं नहीं गए। नहीं बिल्कुल $4,000, जबकि आप बात कर रहे हैं कि जब आप $500 जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस को पे कर रहे हैं। अच्छा इसके अंदर भी आप कुछ US के अंदर चीज़ें हैं जो शायद आउट ऑफ US ऑडियंस को नहीं पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ नहीं है कि आप डायरेक्ट बस चाहें तो मैं जाकर किसी दुकान से हेल्थ इंश्योरेंस जाकर बाय कर लूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ तरीक़ेकार हैं, अगर आप एक जैसे आपने कहा कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम में लाए करते हैं, सो यू कैन गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू योर स्टेट, राइट, व्हिच कैन बी you may be paying as a co-payer or you may be getting it 100% usme depend karta hai aap kaun se state mein ho ke kya aspect your income, theek hai na, lekin main to wo plan bata raha hu na ki banda kisi pe depend hi na kare, matlab agar zehen mein ek wo leke aayega bhai itne mujhe kam se kam paise chahiye, depend ke bagair to वैसे भी आप नहीं ले सकते ना, आपको फिर भी फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू मार्केटप्लेस के थ्रू तो जाना पड़ेगा ना, अगर नहीं मैं तो कहता हूं अगर वो भी ना जाना पड़े और अगर बंदे को खुद से लेना पड़े तो वो तो फिर आप या तो आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर कोई बिजनेस करता है तो फिर उसका या मार्केटप्लेस के थ्रू आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, या फिर आप स्टेट के थ्रू लेते हैं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऐसे कोई दुकान तो होती नहीं है कि भाई आप गए और जाकर आपने हेल्थ इंश्योरेंस जाके पूरी ले ली, नहीं मार्केटप्लेस से ही लेगा बंदा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खुद से उसको लेना पड़े तो अब डिपेंड करता है ना, आप मुख्तलिफ इमिग्रेंट कैटेगरीज में लोग आते हैं, किसी को सब्सिडी मिल सकती है, किसी को नहीं मिल सकती, किसी का एम्प्लॉयर हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। मैं वो सिनेरियो सोच रहा हूँ जिसमें बंदे को सब कुछ आउट ऑफ पॉकेट देना है, ठीक है, बेयर मिनिमम, तो उसमें मैं कह रहा हूँ आई थिंक $500 मैं उसको मतलब डिसेंट किस्म का मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब बहुत अच्छा शायद नहीं होगा। अगेन नाउ आई थिंक अगेन कि $500 could be suitable for some category of the people and हाँ, bare minimum जो जिसे कहते हैं कि emergency level पे आपको emergency room आपका cover हो जाए, एक खास level की doctor visits cover हो जाए, urgent care cover हो जाए, तो I think तो सब कुछ मिला के कितना भाई, कोई 4,000 तकरीबन कर सकते हैं। अजी ये तो भाई लिविंग एक्सपेंसेस हैं US में, तो हमने सोचा कि शोएब भाई के साथ मिलकर आपको ब्रेक डाउन दे दें, फिर शोएब भाई के साथ वक्तन फोक्तन आपके साथ आते रहेंगे, ये मुझे मशवरा देते रहते हैं कि हमें एक पॉडकास्ट करनी चाहिए, अब देखो पॉडकास्ट
अगर आपको पसंद आई ये कॉन्वर्सेशन हमारी तो हम पॉडकास्ट में मजीद इस पर कर सकते हैं, क्या ख्याल है शोभ भाई? देखते रहिए. थैंक यू जी, दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम.